आज जो इंडिया और यूएसए का मैच था, पाकिस्तानी इस पे बड़ा खुश है कि हमें चांस मिल गया। हार जाता, कोई भी अनहोनी हो जाती, हम बाहर थे। अल्लाह तौबा। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में ये गाना जरूर सुना होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक यही हाल आज इन पाकिस्तानियों का है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खेल रहे हैं भारत और यूएसए, लेकिन टिकावा कौन है? पाकिस्तान। हालांकि आज पूरा पाकिस्तान पप्पा भारत के लिए दुआएं कर रहा था, नमाजें पढ़ रहा था कि कैसे भी भारत यूएसए को हरा दे। सही बात है, हरा भी दिया भारत ने, लेकिन जो विराट के लवर थे उनको आज भी निराशा मिली, और हमारे हिटमैन को तो जैसे किसी की नजर ही लग गई हो। जैसे जैसे गिरते पड़ते हम लोगों ने जीत दर्ज की, इससे भारत को सुपर हिट में पहुंचने के तो रास्ते सारे क्लियर हो गए, लेकिन अभी भी रियायती हारी हमारे पाकिस्तान की थोड़ी सी उम्मीदें बाकी है। इस पे पाकिस्तानियों का रिएक्शन है, बिना देर के चलते पाकिस्तान। ठीक है जी। आज जो इंडिया और यूएसए का मैच था, पाकिस्तानी इस पे बड़ा खुश है कि हमें चांस मिल गया। बिल्कुल सही बात है, आज इंडिया ने जो परफॉर्मेंस की है, हम आज इंडिया के लिए मैच एक एक बॉल देख रहे थे तो दबाव कर रहे थे। पहले आते साथ तो हमने दिलों पे हाथ रख लिए थे जब कोहली और शर्मा जी चले गए थे। हाँ। और फिर इंडिया ने जो कमाल किया, धमाल किया, मजा आ गया। देखें आज इंडियन से ज्यादा पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैच है, क्योंकि आज अगर इंडिया हार जाता, कोई भी अनहोनी हो जाती, हम बाहर थे। वैसे भी हम दवाओं के भरोसे ही जाते हैं, और हर दवा हमारे लिए कुदरत का निज़ाम ही डिपेंड करता है। अपनी मेहनत से बहुत सॉरी, बड़ी मोहब्बत है मुल्क से, लेकिन हमारा हर दफ़ा ये होता है कि ये हारेगा तो हम जाएंगे। कभी हम अफ्रीका को नीदरलैंड से हराते हैं दवाएं दे दे के, अगलों का बुरा कराते हैं, कभी परफॉर्मेंस पे बहुत कमी है जाते हैं। आज इंडिया की बॉलिंग की बात करो ना, कैसे अमेरिका की फास्ट बॉलिंग को बड़ी हेल्प करने वाली पिचेज हैं, और 110 भी डिफेंडेबल है, और वहाँ इंडियन बॉलर उस पिच को कैच कर रहे हैं, और शदीप सिंह की यकीन करें दो ढाई ढाई मीटर की बॉल पर के स्विंग हो रही है। हार्दिक पांड्या की यही दो प्लेयर थे जिनको आईपीएल में गालियां पा रही थी, और शदीप सिंह को 2022 से गालियां पा रही थी जब पाकिस्तान मैच आ रहा था एशिया कप से, जब इन्होंने कैच छोड़ा था आसिफ अली का। उसके बाद हार्दिक पांड्या को तो आईपीएल में पूरी दुनिया जानती है, कितना ट्रोल किया गया, लेकिन आज की परफॉर्मेंस निकाल दी। शुरू देखिए, तीन मैचेस हो गए इंडिया की तरफ से लिथल परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या और शदीप सिंह। पाकिस्तान के मैच में देख लें, पाकिस्तान इंडिया के मैच में देख लें, उससे पहले बांग्लादेश के वार्म अप मैच, आयरलैंड, आज देख लें, आज कमाल कर दिया और इंडिया ने। और हम तो चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए, क्योंकि फिर आगे इंडिया और पाकिस्तान का एक और मैच देखने को मिलेगा। नो डाउट पाकिस्तान हार गया, लेकिन कुछ नहीं होता, आगे फिर देखिए। दोस्तों मैं हमजा के बारे में बताऊँ, जिस दिन मैच होता है उस दिन ये मार्केट में जरूर मिलता है, और अपना स्टैंड लेके अपने जो है चैनल के ऊपर ये वीडियो डालता है। इसके चैनल को प्रमोट करें, पाकिस्तान का न्यू टैलेंट है, और मुझे बड़ी खुशी होती है हमजा आप जो है पाकिस्तानी क्रिकेट पे बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट पे बात करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूएस ने हमें बहुत ज़्यादा रुलाया था, सुपर ओवर तक हम चीखे मारते रहे पाकिस्तानी कुछ कर लो, बट ये कुछ नहीं कर पाए। इंडिया ने कहा था कि यूएसए हमारे लिए बिल्कुल बच्चा है, और बच्चे से डरने वाली क्या नहीं। देखिए आज हमने पहले पाकिस्तान को बड़ी गालियाँ दी थी, लेकिन आज के मैच के बाद पता चला यूएसए कोई टीम है, और नो डाउट आज इंडिया जैसी नंबर वन टीम को ऐसे फंसाना डिजर्व करता है। देखिए पाकिस्तान से मोहब्बत है, यूएसए आगे जाना इस दफ़ा डिजर्व करता है, जैसी लीथल जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दे दिया है, इस दफ़ा यकीन करें यूएसए का जाना डिजर्व करता है। हाँ, मेहनत नजर आ रही, मोहब्बत है अपने मुल्क से, नहीं चाहते कि ना हो, लेकिन यूएसए की जैसी परफॉर्मेंस है वो डिजर्व करते हैं। इंडिया जैसी टीम को फंसा रहा है ये, तो आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया वगैरह को भी फंसा लेगा अगर आगे चला गया। भी आधे इंडियन ही तो है उसमें भी आधे इंडियन है। देखें ये पूरी दुनिया की टीम है, दो पाकिस्तानी, चार इंडियन, एक न्यूजीलैंड, एक ऑस्ट्रेलियन, ऐसे टीम बनाइए और डॉलर का कमाल नजर आ रहा है हर जगह। बिल्कुल ऐसे, सबसे पहले तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया, उसके साथ साथ जो है पाकिस्तानी उन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा भी मारा है कि भाई जो कह रहे थे कि इंडिया जानबूझकर यूएसए से हार जाएगा, भाई उसकी फिटे मुंह उसकी क्रिकेट पे अगर वो यूएसए से हार जाए, वो दुनिया की नंबर वन टीम है, वो यूएसए से कभी भी नहीं हार सकती थी, वन साइडेड वो जीत गई है। और जिस तरह आज बॉलिंग करी है, मतलब उन्होंने खत्म करके रख दी यूएसए क्रिकेट को, और बलखसूस पाकिस्तान के मुंह पर ये भी तमाचा मारा है कि ये वही यूएसए की टीम है जिसने पाकिस्तान को 159 रन चेज किया था, लेकिन उनको सिर्फ 111 रन पे रोका, अगर बुमराह ना चला, लेकिन अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या बुमराह बन गए, भाई हम जो है हम कमाल पूरा करेंगे। अर्शदीप सिंह ने जो आज बॉलिंग करी, पहली गेंद पे विकेट, फिर एक उसी ओवर में चार टोटल, चार विकेटें सिर्फ 9 रन, कितनी मतलब अच्छी इकोनॉमी। और जिस तरह आज बॉलिंग करी हार्दिक पांड्या ने, भाई आज तो यूएसए की टीम को खत्म करके रख दिया। ये यूएसए था जिसने हमें बड़ा रुलाया, सुपर ओवर तक हम दुआएं मांगते रहे, और इंडिया ने उसको चुटकी में ऐसे 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 उड़ाया। इंडिया की टीम वो है जो टीम पाकिस्तान को रुलाती है, इंडिया उसको रुला के रख देता है। इंडिया की टीम के सामने कोई नहीं,
टिक सकता। यार क्या बात बोल, यूएसए की टीम बहुत बच्चे हैं भाई, वो ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, बड़ी बड़ी टीमों को नहीं छोड़ने वाले। कल जब हम कनाडा से जीते तो नीचे कह रहे थे शुक्र है पाकिस्तानियों आप बच्चों से जीत गए। ऐसी लानत है ऐसी जीत पे कि आपने 18वीं ओवर में जाकर जो है वो रन चेज किए, जहां आपको पता था कि भाई रन रेट जो है आपका इंक्रीज करेगा तभी आप जो आगे जा सकोगे, लेकिन फिर भी आपने डिफेंसिव क्रिकेट खेली, आपने इंडिया वाले मैच से सबक नहीं सीखा था। कल भी मुझे लग रहा था कहीं ये हार ना जाए, इस तरह डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे थे। और 18वीं ओवर जहां पर 10 से 9 ओवर के दरमियान टारगेट चेज होने वाला था, आप फिर 18वें ओवर तक लगे, ये हमेशा दूसरी टीम पर डिपेंडेंट रहे हैं। अल्लाह करे आप जो है, इंडिया ने तो हम पर एहसान कर दिया, इंडिया ने हमारे लिए रास्ता एक किस्म का हमवार कर दिया है, लेकिन अब हम भी थोड़ी बहुत गैरत कर लें, शर्म कर लें कि आयरलैंड को बुरी तरह से हराएं। अल्लाह करे कि जो है पाकिस्तान आगे जाए, इंडिया और पाकिस्तान का फिर से सेमीफाइनल हमें देखने को मिले। एक तरफ यूएसए, पाकिस्तान यूएसए से हरा, दूसरी तरफ इंडिया यूएसए से जीत गया। काफ़ी शानदार इस मरतबा बॉलिंग रही है, 8 उनकी तकरीबन विकटें गिराई हैं। अगर कल की बात करें, एक दिन पहले मैच की बात करें, तो सारे पाकिस्तानी ये दुआ कर रहे थे कि इंडिया जीते और पाकिस्तान आगे जाने की कोशिश करें, तो ये भी बातें कर रहे थे हो सकता है इंडिया जानबूझ के हार जाएगा या पाकिस्तान आगे ना आ सके। सॉरी, ठीक है, मतलब इंडिया के भरोसे हैं, इंडिया पर भरोसे। यो वाहिद, वो कल मैं देख रहा था, हैरान भी हो रहा था कि दुआएं की जा रही इंडिया जीते, हमेशा हम दुआ करते आ रहे कि इंडिया हारे, कल दुआ कर रहे थे इंडिया जीते। हाँ। तो भाई मैं पहले भी कह रहा था, इंडिया ने अपने आप के लिए खेलती है, अपनी पब्लिक के लिए खेलती है, अपनी आवाम के लिए खेलते हैं। हाँ। वो ये नहीं देखते कोई टीम ऊपर आ रही है, हमारे जीतने से या हारने से वो इस चीज से मैटर नहीं करते। हाँ। वो अपने आप के लिए खेलते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो कितनी इंतहाई गंदी तरीन, सारे के सारे मैच हारते आ रहे। कल देखा कोई खुशी हुई, कितने पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लिया आपने भी, और मैं देख भी रहा था कि जरा सी भी खुशी नहीं हुई, सब ये कह रहे थे जीत के पहाड़ दे दिया। अगर 120 स्कोर कनाडा कर लेता तो पाकिस्तान की हार पक्की थी, बिल्कुल पक्की थी। देखिए 17 ओवर तक खेल रहे थे, 106 का टारगेट नहीं चेज हो रहा था। पूरे वर्ल्ड कप की छोटी टीम में सबसे छोटी, गूगल भी बता रहा था, बच्चों से गूगल भी पहले बता रहा था 92% खेलने से पहले बता रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन वो क्या 5-10 स्कोर और ज्यादा मार देते तो पाकिस्तान ने वो भी मैच हार जाना था। इंडिया की शानदार तरीके से देखा, चौथा मैच इंडिया ने खेला, वो मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के 3 मैच खेले, तीनों के तीनों विन कर चुके। आप 2023 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, इसी तरह सब के सब मैच विन करते आ रहे हैं, एंड पे बैड लक चला कि ऑस्ट्रेलिया सारे, वो एक अलहदा बात है। इसी तरह इस मरतबा भी सब के सब मैच जीत। सर ये बताएं कि जो है अर्शदीप सिंह ने जो आज 4 विकेट्स ली हैं और सिर्फ जो है 9 स्कोर पे, तो आप क्या कहेंगे कि इतनी जबरदस्त बॉलिंग सिर्फ 9 स्कोर? ये देखिए अर्शदीप सिंह ने काफी अच्छी बॉलिंग की, इंडिया के पास एक से बढ़कर एक बॉलर है। पीछे पाकिस्तान के खिलाफ कौन चला था, बुमराह, कितनी अच्छी बॉलिंग की, मैच खींच के ले लिया पाकिस्तान, जीता हुआ मैच पाकिस्तान खींच के ले लिया एक बॉलर ने। आज आपने देख लिया, इसने एक से बढ़कर एक बॉलर, एक से बढ़कर एक बैटिंग करने वाला, एक नहीं चलता तो दूसरा चलता, दूसरा नहीं तो तीसरा चलता। ये इंडियन टीम मुकम्मल टीम है, पाकिस्तान की तरह टीम नहीं है कि 2 आउट हुए फिर लाइनें लग जाती हैं। बहुत कमाल शानदार परफॉर्मेंस है इंडिया की, वर्ल्ड क्लास टीम है। देखिए बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, फील्ड बहुत अच्छा है, उसके अलावा कैप्टनसी लीडरशिप है उसके अंदर, और उनका जो है अपना इंस्टीट्यूशन इंडियन का, वो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और टीम सेट सिलेक्शन बहुत अच्छी है, ओवरऑल बाकी मेहनती भी हैं सारे प्लेयर्स, टीम वर्क है, तो डेफिनेटली जी परफॉर्मर्स हैं। आपको नहीं लगता हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए? इस यूएसए हम हारे और इंडिया ने इस यूएसए को चुटकियों में फारिग कर दिया। वेल नहीं, देखे जीने का दिल तो हर किसी का करता है, हार जीत गेम का हिस्सा है, मरने की बात नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, क्रिकेट आपको पता है लास्ट बॉल तक एक अनसर्टेन गेम है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेटजी, आपका डिसीजन, आपकी लैंडिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। आपके ये जेस्चर्स आपके बता रहे होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो हमारा जो पाकिस्तान का यूएस के खिलाफ था, वो तो ऑफ कोर्स आई वुड से दैट वाज इवन बिलो द पॉवर्टी और बिलो द जीरो लाइन आप कहें।